इंडियन पॉलिटी में कोई एक चैप्टर है कि जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह है मूल अधिकार। तो आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। इससे संबंधित 135 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम, जो बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। और मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं क्योंकि टॉपिक इसमें बहुत लिमिटेड हैं, क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड हैं जिनसे बनाए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है आपको ये बताना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्राश्रय दिया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्राश्रय दिया था। इसका कौन सा कथन सही है? इसका केवल वन सही है, ए सही है कि नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की बात की गई थी, बाकी इन सब में मूल अधिकार की कोई बात नहीं की गई थी और यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकार को लिया है। नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू जी का रिपोर्ट था। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग, अवाद योग, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वाद योग है, यानी कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा का हो जाएगा सी। इसमें से क्या दिया है, ये क्वेश्चन अलग दे दिया है ना, सी दिया है, 1, 4 और 5। 1, 4, 5 इसका सही दिया है। 1, 4, 5 पहला क्या था, यह संविधान में उल्लिखित होता है, चौथा है कि यह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है, पांचवा है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, है ना। तो ये सही है, संसद इसके विरुद्ध कानून बनाएगा तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकती है, उस कानून को। कोई भी अधिकार, कोई भी कानून, कोई भी अध्यादेश अगर मूल अधिकार को सीमित करता है तो संसद उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकती है उस कानून को, आर्टिकल 13। मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किया जा सकते, ये गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी सबसे करेक्ट आंसर होगा। वैसे सी और डी दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, क्यों? आपातकाल की स्थिति में भी राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निलंबित होते हैं, मतलब राष्ट्रपति ही निलंबित करते हैं। लेकिन अगर सबसे सुटेबल आंसर देखो तो आंसर डी ही होगा, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति कभी अपनी इच्छा से निलंबित नहीं कर सकते, विवेकाधिकार नहीं है उनका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, राज्य से आपको बताती है, स्टेट के क्रियाकलाप से आपको बचा के रखती है ना। ये सही है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, क्या इसकी बात की गई है मूल अधिकार में? और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पाँचवा का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। ओके, 1, 2, 3 सही थे इसके। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात किस में करती है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के खिलाफ है, आर्थिक न्याय की भी बात करती है, राजनीतिक न्याय तो है ही। छठा क्वेश्चन में चलते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है, राज्य की परिभाषा 12 से 35 तक है, और 35 से 50 क्या है? डीपीएस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सातवां, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता देता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आर्टिकल 13 ए आंसर हो जाएगा। क्या है आर्टिकल 13? अभी मैंने बताया था कि कोई भी कानून, नियम, आदेश या संशोधन शून्य होंगे अगर वो मूल अधिकारों को सीमित करेगा। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकार का क्या करती है, किसी भी कानून का, किसी भी अध्यादेश का पुनरावलोकन करती है। 45 बीपीएससी 2001 में पूछा। आठवां है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 13 किस में आएगा? मौलिक अधिकार में आएगा। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होता है। अगला है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, अनुच्छेद कौन से कौन तक है समता का अधिकार? तो 14 से 18 तक है समता, उसके बाद 19 से स्वतंत्रता आ जाती है। 14 है विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध है, 16 है नोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसी के तहत आरक्षण का भी प्रावधान है इसी आर्टिकल के तहत, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। आरक्षण का आर्टिकल 331-32 में आपको मिलेगा, लेकिन मूल अधिकार में अनुच्छेद 16 के तहत ही प्रावधान है। समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 2, 3, 4। 14 से 18 तक आता है समता। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आर्टिकल 14।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 12वें नंबर पर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से कौन सा संबंधित है? आर्टिकल 14 संबंधित है। तो राज्य के लिए निगेटिव हुआ ना, कि आपको सबको समान दृष्टि से देखना पड़ेगा। स्टेट के लिए निगेटिव हुआ है, है ना। राज्य विभेद नहीं कर सकता। राज्य का मतलब यहाँ पर बिहार राज्य की बात नहीं हो रही है, यूपी की। राज्य का मतलब हो रहा है पूरे सरकारी तंत्र का। अगला क्वेश्चन है कि संविधान किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो आर्टिकल 14 में। विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? 66वीं यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सब समान। 15 के धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समता का अधिकार होगा। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में दिया गया है। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 32 में भी है, 22 23 में भी है। 22 में संवैधानिक उपचार है, सॉरी 22 23 में है। ओके, अगला है कि मद्रास राज बनाम दुराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? 1951 में मामला आया था, उसके बाद संशोधित किया गया था। तो कौन से मूल अधिकार को संशोधित किया गया था? तो बी हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुमोदन प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ा यानी कि ओबीसी एससी एसटी हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 15(5) के तहत प्रदान की गई है। 15(5) के तहत कि असमानों के साथ युक्त युक्त आधार पर सरकार विभेद कर सकती है। आर्टिकल 15(5) संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 15(4) और 16(4) इसको आप लोग याद रखना, बार बार पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो ओके, और सब ऊपर वाले को मैं पढ़ देता हूँ कि अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुमोदन प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता के प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 16(1) और 16(2) नियोजन करने में किसी के साथ कोई विभेद नहीं होगा। ये भी लिखा हुआ 16(1) 16(2) में और 16(4) 16(5) में है कि आप युक्ति के आधार पर विभेद कर सकते हैं। 15(5) में भी ये चीज़ है, 15(4) में भी। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार में तो आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है? 21 का है, 21 नंबर क्वेश्चन कथन है ये। कारण दिया है कि समान लोगों में विधि समान रहेगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो कथन कारण क्या सही है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? कौन सक्षम करता है भारतीय न्यायालय को? तो इसका आंसर डी दिया है, यानी कि एबीसी तीनों, संविधान के प्रस्तावना में युक्त समाजवादी शब्द, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, इन सबको मिला के क्या मिलता है कि समान भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन जो फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए इन तीनों से उसको शक्तियाँ मिलती हैं। 23 नंबर है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कारण के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 14 और 16 को जब पढ़ता है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट, है ना, और समाजवाद शब्द को लेकर प्रस्तावना में से समाजवाद शब्द को लेता है और आर्टिकल 14 और 16 को पढ़ता है तो समान कार्य के लिए समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। संविधान किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का अनुमूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अनुमूलन किया गया है। 1955 में एक एक्ट भी बना था। 25 है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है, किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? तो आर्टिकल 17 करता है और एससी एसटी एक्ट भी है इसके तहत। ये तो संविधान के आर्टिकल की बात होगी, एक्ट अगर पूछे तो एससी एसटी एक्ट है और 1955 का एक एक्ट है जो अस्पृश्यता संबंधी चीज़ों पर प्रावधान पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई? तो आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत। पहले जो उपाधियाँ होती थी, राय बहादुर, खान बहादुर, बड़े बड़े उपाधियाँ होती थी, तो वो सब उपाधियों का अंत है। 18 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से, भारतीय संविधान का छुआछूत से उन्मूलन। तो इसका 28 का भी बी आंसर हो जाएगा, बार बार रिपीट करके पूछता है।
और इसका भी 29 का भी क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17 ही हो जाएगा। इसमें भी एससी एसटी की बात की गई, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 17 हो जाएगा। निम्नलिखित मूल अधिकारों से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता के विरुद्ध इसमें क्या किसमें दिया हुआ है वो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक में, इसी में तो है आर्टिकल 17, तो समता का अधिकार में ही अस्पृश्यता उन्मूलन है। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न से किन उपाय द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर एक हो जाएगा, यानी कि कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनजागरण के द्वारा। निम्नलिखित दो कथन है, कथन और कारण को आपको बताना है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर दिया है, पढ़ देता हूँ, इसका आंसर ए दिया, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों से कौन भिन्न वर्ग में आता है? यानी कि तीन ऐसे अनुच्छेद हैं जो समान हैं, और देखो 14, 15, 16 ये समता का अधिकार के तहत हैं। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 19 से 22 तक, 19, 20, 21, 22, इसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता कहीं भी लिखी नहीं हुई है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये निहित है। 37 नंबर है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो आर्टिकल 19 हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अस्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है भारतीय संविधान में, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें, अनुच्छेद के अंदर पूछा है, 19 के अंदर किसमें है, तो 19 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 वन के ए में ही तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता किस में दिया गया है? 19 वन ए में दिया गया है। नेक्स्ट 40 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 19 वन ए के तहत मौलिक अधिकार है। ओके, और ये किस विवाद में दिया गया था? तो नवीन जिंदल बना भारत संघवाद में दिया गया था ये फैसला। ओके, बी आंसर हो जाएगा 40 का। इसको, इस फैसले को भी याद रखना आप लोग, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। 41 है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, है ना, कौन सा नहीं आता है? तो 41 का क्या हो जाएगा, अफसरों का घेराव करना कर्तव्य निभाते नहीं है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये इसके तहत नहीं आता, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के तहत ये निहित नहीं है। 42 है, निम्नलिखित किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? किस आधार के कारण नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान और अवांछनीय आलोचना। तो अवांछनीय आलोचना का अधिकार, अभिव्यक्ति का आजाद पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अगला है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? तो आर्टिकल 21 है, व्यक्ति के प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता से संबंधित, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बहुत कुछ निहित है, जैसे शिक्षा का अधिकार या प्राइवेसी का अधिकार, ये सारे आर्टिकल 21 के तहत ही आते हैं। सोने का अधिकार भी है आर्टिकल 21 के तहत। पर्यावरण स्वच्छ रखने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आते हैं, कि स्वच्छ पर्यावरण में हम रहेंगे। दिल्ली प्रदूषण के बाद चर्चा में आया था ये चीज़। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया किसमें शामिल है? तो आर्टिकल 21 में शामिल है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 में दिया गया, विदेश यात्रा का अधिकार। 46 है, निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 वन डी को आर्टिकल 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका क्या हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा, एकांतता का अधिकार जो है 19 वन डी को जब 21 के साथ मिलाकर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा, एकांतता का अधिकार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और ये पूरा आप देख लेना, है ना। जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ में दिया गया था प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। आर्टिकल 19 के तहत भी है और आर्टिकल 21 में भी इसको समाहित किया जाता है। आर्टिकल 21 के साथ 19 को पढ़ने पर ही प्राइवेसी का अधिकार पता चलता है। ओके, अगले पर चलते हैं। ये देखो, से सारे 21 के तहत दिया गया है।
निजता का अधिकार को जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किसमें उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है ये पूछा है आपको। तो भाषा थोड़ी सी खराब है क्वेश्चन की, बाकी इसका आंसर 48 का मैं दिखा देता हूँ। 48 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता के तहत प्राइवेसी का अधिकार आता है। ओके, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ये UPSC 2019 का क्वेश्चन है। 49 का क्या आंसर हो जाएगा? 49 का हो जाएगा बी, आर्टिकल 21 के तहत ये चीज़ निहित है। 50 है, निम्न से कौन संविधान का अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मृत्युदंड इसके दायरे में नहीं आता। 51 है, निम्न से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्ति या सीमित नहीं किया जा सकता? तो वो है बी, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। ओके, अगले पर चलते हैं। 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे अधिकार आपके निलंबित हो सकते हैं आपातकाल के दौरान। और 19 आर्टिकल जो होता है ये बाह्य कारणों से अगर आपातकाल लगा है तो ये निरस्त हो जाता है, अगर आंतरिक कारणों से आपातकाल लगा है तो ये निरस्त नहीं होता है। 52 है, उच्चतम न्यायालय किस मामले के निर्णय के कारण संविधान ने अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा का अधिकार को भी उसमें शामिल कर दिया? तो कौन सा मामला था वो? तो वो था उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। शिक्षा का अधिकार को जो मूल अधिकार में शामिल किया गया था वो इसी के तहत, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। 53 है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच से बच्चों सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, किस मूल अधिकार है ये, किस तरह का अधिकार है? मूल अधिकार है, 53 का बी हो जाएगा। 54 पे चलते हैं हम लोग जल्दी से कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ओके, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या में पढ़ लेना आप लोग। 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था ये। 55 है, निम्न से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा मानव अधिकार? तो शिक्षा का अधिकार जो है ये मानव का अधिकार है, प्रत्येक मानव का अधिकार, और इसको मूल अधिकार के रूप में भी दिया गया है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, कथन दिया है, कारण दिया है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास की अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सही है। अगले पर चलते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा परिकल्पित है? तो मानव देह के व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, बिल्कुल सही। अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं, ये किसमें है? ये समानता का अधिकार में, आर्टिकल 17 की बात करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खाद्यान्न बच्चों के नियोजन का निषेध, ये IAS का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सही। इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में पूछा है तो 1 और 4 ही तो होगा सही, बाकी अल्पसंख्यक में आ जाता है 29-30 में आ जाता है, और अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में आता है? आर्टिकल 17 में आता है। अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, इसको याद रखना आप लोग। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 24 हो जाएगा इसका आंसर। 59 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल 24 हो जाएगा, कारखानों में बच्चों के नियोजन को रोकता है। कहते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मूल अधिकार से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो 17 अस्पृश्यता संबंधित है, 19 स्वतंत्रता से संबंधित है, 25 धर्म से संबंधित है, 24 शोषण से संबंधित है। आर्टिकल सारे याद होने चाहिए आपको, मूल अधिकार के, DPS के, और जो राष्ट्रपति और आपातकाल से संबंधित आर्टिकल होते हैं ये सारे। ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, अनुच्छेद 24 द्वारा, यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 24 द्वारा ही बाल अधिकारों को भी संरक्षण है। संविधान कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशासन संरक्षण प्रदान करता है? इसका क्या हो जाएगा? दोहरे दंड से कौन सा चीज़ आपको बताता है? तो आर्टिकल 20 के तहत दोहरा दंड से मना किया गया है, एक अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। 63 है, किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? अगर आपने अपराध किया है तो आप ही को आपके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 63 का क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद 20 के 3 में यह निहित है। 64 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ये किस में है? आर्टिकल 20 में दिया गया है। 65 बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 22 में प्रदत्त है। ये बंदी बना लिया गया कोई आदमी है लेकिन उसका भी मौलिक अधिकार होगा, ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है।
66 है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने दिन के लिए, तो 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। 222(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए वह सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना है, 3 माह से अधिक भी अगर आपको उसको कैद रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड बनेगा, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। जब सलाहकार बोर्ड ऐसे सीओ पर सहमति दे देगा तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा। ओके, अगले पर चलते हैं कि प्रिवेंटेंशन डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह के तहत। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अपराध करने से पहले रोकने के लिए 67 था। 68 है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के प्रावधान के तहत धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसका क्या हो जाएगा, 68 का, 68 का हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है लेकिन धर्म प्रचार का अधिकार है। ओके, 69 के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, इसको जरूर इस बार पढ़ के जाना। 69 का बी हो जाएगा आर्टिकल 25 के तहत। क्यों, क्योंकि हिजाब को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था उस समय, कृपाण की भी बहुत चर्चा हो रही थी। 70 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा सी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, 25 से 28 तक आर्टिकल। 71 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, ये पूछा है, तो हिंदू शब्द में बौद्ध जैन और सिख तीनों आते हैं, पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया है, 71 का सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है, तो ये क्या हो जाएगा, डी मानववाद के अधीन है, यानी कि मानव के विरुद्ध अगर आपके धर्म में कुछ हो रहा है मानव अधिकारों के विरुद्ध तो उसको सरकार कानून बनाकर रोक सकती है। लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंध के अधीन रहते हुए आप अपने धर्म को जैसे चाहें वैसे आप फॉलो कर सकते हैं। 73 एक संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, इसका क्या दिया, अभी मैंने दिया ना ऊपर, सदाचार डी दिया है, यानी कि एक लोक व्यवस्था, उसके बाद से सदाचार हो जाएगा और धर्मनिरपेक्ष स्वास्थ्य हो जाएगा, लोक व्यवस्था स्वास्थ्य और सदाचार, इसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है किसी भी धार्मिक उपबंध पर, किसी भी धार्मिक रीति रिवाज पर। आर्टिकल 23, 24, 26, 29 दिया हुआ है और सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो 23 जो है मानव के दुर्व्यापार बलात्संग का प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। 24 है कारखानों बालकों का नियोजन व प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो बिल्कुल सही है। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 29 में नहीं दिया गया है, 30 में दिया गया है। ओके, आर्टिकल 30 से प्राप्त होता है ये। 75 है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मानव के दुर्व्यापार बलात्संग का प्रतिषेध 23, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 और शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30 होगा, ना कि 31, गलत दिया है डी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल 30 प्रदान करता है, BVI है, इस साल के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। 77 के भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान का स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30। 78 कथन कारण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता और कारण दिया है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, दोनों ही कथन सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई दोनों को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का लागू करने की शक्ति दी गई है, कौन लागू कराता है मौलिक अधिकारों को, तो ये UPSC क्वेश्चन है और BPSC में भी पूछा है इसको 2005 में, जिसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होगा। मौलिक अधिकारों को कौन लागू कराता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, मैं बता देता हूँ एक सेकंड, 226 के तहत हाई कोर्ट करता है और आर्टिकल 32, 13 इन सब के तहत कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ओके, 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है एक्चुअली में, न्यायपालिका से भी ज़्यादा अच्छा शब्द होता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो 82 का सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा गया है, तो न्यायपालिका को समझा गया है।
संविधान का संरक्षक भी बोला जाता है। निम्नलिखित किस एक को नागरिकों का मौलिक अधिकार का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को देख रहे, ऑप्शन भी नहीं बदलता, सी का सी ही कॉपी पेस्ट कर देता है। 85 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? के एम मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाले समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का स्वीकार किया गया। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, पॉलिटी का पहला वीडियो, उसमें जाकर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करने में क्या जा रहा है, लाइक कर दो, है ना, और शेयर कर देना थोड़ा सा, जो जहाँ भी चलाते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी चलाते हो, है ना। तो ये सब करवा चुका हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री के तहत भी आता है और भारतीय संविधान के तहत भी आता है। मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना, और इंडियन ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, घटनाचक्र के भी 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस के, तो वो सब मिल जाएगा आपको चैनल पर, बस जाके करना है। 8 तारीख को एग्जाम है, पढ़ लो बस 2 दिन। 85 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर डी दिया है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय को बनाया गया एक्चुअली में। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के रक्षण के लिए आर्टिकल 32 को बनाया गया है, रिट जो है सारे संविधान में। किस एक अधिकार को B.R. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? देखो यही क्वेश्चन है, संविधान का आत्मा, इससे पहले उद्देशिका वाले चैप्टर में हमने, जिससे पहले का वीडियो है उसमें उद्देशिका को कहा गया है और उसको कई जगह माना भी है, लेकिन B.R. अंबेडकर ने किसको कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि डी, आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 88 नंबर, संविधान कथन कारण दिया है वो यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा। 32 मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? रिट 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 मैं 10 बार बोल चुका हूँ, आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है। 90 नंबर, निम्नलिखित किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण को। बंदी किसी को भी अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा। अगला है क्वेश्चन 91 नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित से किस रिट को जारी कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी हो जाएगा किसके लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। 92 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए कौन सी रिट जारी होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको हैबियस कार्पस भी बोला जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। सुमेलित कीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण पूर्णतया सूचित कीजिए। परमादेश किस अधिकार से है ना मैच करना हमें एक्चुअली में 93 में, तो इसको मैच कर देता हूँ मैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है कि हमें शरीर चाहिए, जिस आदमी को आपने पकड़ा है या जिस आदमी को आपने छुपा रखा है उसको हमारे सामने उपस्थित कीजिए। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। ओके, अधिकार अपेक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से आपने ये काम किया है। रिट जरूर पढ़ के जाना। निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रतिषेध के सामने टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। टू बी सर्टिफाइड किसका होता है? उत्प्रेषण का। ओके, टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रिट के लिए होता है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों से, देखो BPSC 2019 का क्वेश्चन है, पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर दिया है ई। क्यों दिया है भाई ई, मैं पढ़ देता हूँ। उत्प्रेषण रिट में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए किसी भी निर्णय का पुनः परीक्षण यानी कि री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है, उत्प्रेषण में करते हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा का आदेश जारी करता है। दो दो ऐसे हैं जिसके तहत पोस्टमार्टम प्रतीत होता है, अधिकार परीक्षा भी है, उत्प्रेषण भी है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, अगला है कि एक ऐसी याचिका, और क्या दिया था यहाँ, हाँ, और इसका उत्तर ई ही होना चाहिए, जबकि आयोग ने विकल्प डी को सही माना था। देखो आयोग ने इसका डी माना था, अधिकार परीक्षा का माना था आंसर, लेकिन सबसे सही सटीक आंसर इसका ई होना चाहिए। उत्प्रेषण भी पोस्टमार्टम कहा जाता है। 96 है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट या याचिका को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बी, यानी कि मैंडमस, यानी कि परमादेश। हम आदेश देते हैं कि तुम ऐसा काम करो। 97 है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो वो कौन सा रिट होता है? वो होता है परमादेश। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, और संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है संसद।
98 है, अनुच्छेद 16 दो, अनुच्छेद 29 दो, अनुच्छेद 30 एक और अनुच्छेद 31 एक को मैच करना है हमें। मैच कर लेते हैं। 16 दो में क्या लिखा हुआ है? किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास तथा इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 29 में लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक का धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा संशोधित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अल्पसंख्यकों को संबंधित है 29। 30 भी अल्पसंख्यकों को संबंधित है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो चाहें तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करके उनको चला सकते हैं। 31 है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब हटाया जा चुका है, संपत्ति का अधिकार। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। सुमेलित नहीं पूछा है आपसे। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में नहीं दिया गया है। ये धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 सही है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध 22 में दिया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 23 लिखा हुआ था। ओके, फिर से इसको मैच करना। उपाधियों का निषेध अभी मैंने बोला था आर्टिकल 18 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन ये किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 26 में आ जाएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा तो ये आर्टिकल 19 और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। ओके, सबको मैच कर लिया हमने। अगले पर चलते हैं। ये रहा ये मैच कर। मौलिक कर्तव्य और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, इसको मैच करना है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति याद होगा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह मिनर्वा मिल का केस है। मूल ढांचों का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में आया था 1973 ईस्वी में। और इंसान के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान के अनुच्छेद 23 से संबंधित है। सबको मैच कर लिया हमने। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में दिया गया था। और इसी के तहत संविधान के मूल ढांचा का प्रावधान किया गया था जो अपरिभाषित है। संविधान का मूल ढांचा अपरिभाषित है। 103 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया था। मूल ढांचा अगर समझ में नहीं आए तो समझना कुछ अच्छी बात कह दी है मैंने, बाद में इसको समझा लेंगे। अपरिभाषित है ये, बुनियादी ढांचा इसको कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 105 है कि मूल अधिकारों संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद बनाम भारतीय भारत संघ, केरल संघ, तो 1973 का ये मामला है। इन सबको एक सीक्वेंस में लगाना है तो मैं लगा देता हूँ। एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोपाल गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में आया है। इन सबको याद कर लेना। सबसे पहले गोपालन आए, फिर गोलक आए, फिर केशव आए, फिर मिनर्वा आया। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक तो ये क्या है, ये सी और डी है, वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों ही हैं। ये वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों ही हैं। पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, इसको खत्म कर दिया गया था। कौन से संशोधन में किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। कथन कारण दिया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। बिल्कुल सही है ये। कारण दिया है कि संपत्ति का अधिकार को संविधान के भाग ये कितना लिखा हुआ 12 में अनुच्छेद 301 के तहत बिल का अधिकार बना दिया गया। तो दोनों कथन सही हैं। इसका क्या आंसर होगा? कथन एक और दो दोनों ही सही हैं। व्याख्या नहीं करते हैं, दोनों ही सही हैं। अगला है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार संबंध है। संपत्ति का अधिकार है कि विधि का अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतर स्थापित किया गया। तो केवल दो सही है ना, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 44वें संविधान संशोधन के समय कौन थी? जनता पार्टी की सरकार थी। निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कर दिया गया और किस में है? ये 300 में है, 300 के क में है, 300 आर्टिकल में नहीं था, इसलिए पहला कथन गलत था। तो संविधान का 44वां संविधान संशोधन सी हो जाएगा, 44वां, 110 का सी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार किस में हटाया गया? 44 में है। 111 है मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1978 संविधान का 44वां संविधान संशोधन। 112 है निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार को सूची संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो सी हो जाएगा, 44वां संवैधानिक संशोधन। 113 है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 44वें द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के 44 संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से किस अधिकार को हटा दिया? रिपीटेड क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को। 115 इधर ही था, सॉरी।
जिस संविधान संशोधन नागरिकों को संपत्ति का अधिकार घटाया, एक ही रिपीटेड क्वेश्चन है, 44वां संविधान के संशोधन द्वारा हटाया गया था। देखो कितनी बार पूछा है, हर साल ही पूछता है, वहाँ पर जाके गलत मत कर गया ना। 116 है कि निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो सी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बहुत बार पूछा है ये। निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। 6 मूल अधिकारों में नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है ट्विस्ट आ गया ना। निम्नलिखित कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है, तो विरोध करने का अधिकार कहीं भी संविधान में लिख के नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान नियम से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, तो समान अवसर का अब अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14-18 समता का अधिकार है, धर्म पालन 25-28 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 में प्रदान, परंतु समान अवसर का अधिकार कहीं मूल रूप से उल्लेख नहीं है, है ना। बाकी तीनों का है आपको पता है। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान नागरिकों को नहीं दिया गया है, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार में नहीं दिया गया था, ये एक्ट बना के RTI एक्ट जो बना था उसके तहत दिया गया है, 2005 में एक्ट बना था। ओके अगला है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, राष्ट्रगीत की बात हो रही है, क्योंकि क्यों ने बाध्य नहीं किया जा सकता उसको, इसको वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, इसके अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से आचरण प्राप्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सही है, तीनों ही कथन सही है। उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा भारत के नागरिकों को कोई, भारत के बाहर के नागरिकों को कोई भी मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 15, 16, 19, 29, 30 122 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारत के बाहर के नागरिकों को प्राप्त नहीं है, भारत के बाहर के लोगों को प्राप्त नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं है उनको। ओके इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके क्वेश्चन क्या दिया है कि मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। ओके 15, 16, 19, 29, 30 इसका आंसर एक दो नहीं है, एक और तीन है। एक दो कानून के समक्ष समानता तो सबको प्राप्त होती है, एक और तीन है, अल्पसंख्यकों का अधिकार और भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्राप्त है। ओके एक और तीन है गलत बोला था मैंने, बाई मिस्टेक, एक और दो नहीं, एक और तीन है, अल्पसंख्यकों का अधिकार और भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 15, 16, 19, 29, 30 यही है। 29, 30 में अल्पसंख्यकों की बात आती है। ओके कानून के समक्ष समानता सभी को प्राप्त है। 123 पर चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19 में आता है, ये प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। UPPCS GIC 2010 का क्वेश्चन है। 25 है, कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 2, 3, 4 हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सबको प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, ये पूछा है आपसे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, Article 32। 127 है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किसके लिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 128 भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेष अधिकारों का हकदार हो जाता है, तो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना संचालन कर सकता है, बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा मनोनीत कर देते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है, तो बिल्कुल एक और तीन दोनों सही हैं, एक और तीन सही है, दूसरा गलत है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया, कब पारित किया था, 1976 में, 1976 में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन का कानून पारित किया था संसद ने। 130 है, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, कौन सा एक्ट बनाकर, तो उपर्युक्त सभी के द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। 131 है कि डैश के बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, अधिकार के बिना, इस स्टेटमेंट को पूरा करना था आपको,
एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, बिहार भारत के संदर्भ में तो कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं, अधिकार भी हैं आपके पास और आपके कर्तव्य भी निभाने हैं आपको। 133 है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये गलत हो जाएगा। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। 133 का कौन सा आंसर सही दिया है? इसका आंसर सी दिया है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, राज्य के विरुद्ध आपके दावे हैं कि हमें समानता चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, राज्य के विरुद्ध आपके दावे हैं। और आखिरी क्वेश्चन है कि सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी कहाँ से? तो ग्रेट ब्रिटेन से। 134 क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक करना वीडियो को, शेयर कर देना वीडियो को, है ना, आपका एक लाइक ज़रूरी होता है, और कमेंट करना जो भी फीडबैक लगा हो इस वीडियो पर। ओके, थैंक यू सो मच।